आप सभी साथियों को मेरा जोहार। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड के अंतर में जो बीएड कॉलेजेस होता है उसमें काउंसलिंग के बारे में। लगातार आप लोग परेशान हो क्योंकि परीक्षा आपकी हो चुकी है, उसके बाद रिजल्ट भी आ चुका है और आप सभी को काउंसलिंग के ऊपर कुछ आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस पर बात करने वाला हूँ। काफ़ी कुछ मैं बताने वाला हूँ कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना सारा है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी झारखंड में, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद काउंसलिंग का डेट कब तक की संभावना है, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है और नंबर ऑफ सीट्स इन झारखंड कितना है। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की जो भी वीडियो होगी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सही समय पर पहुँचते रहे। सबसे पहले बात करता हूँ नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो लगभग आप सभी का झारखंड में 135 प्लस आप सभी का बीएड कॉलेज कितना है, तो 135 प्लस बीएड कॉलेज है। बात करते हैं नेम ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में, तो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा इसमें है, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, उसमें 30 कॉलेज है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में लगभग 30 कॉलेज है। फिर विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी में 26 कॉलेज है बीएड के लिए। फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी में 16 कॉलेज है, रांची यूनिवर्सिटी में 29 कॉलेज है और नीलंबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में 12 कॉलेज है। उसके बाद सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में 16 कॉलेज है और उसके बाद में डॉक्टर श्याम प्रसाद में क्या एक कॉलेज है। उसके बाद में काफ़ी सारी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है, साईनाथ यूनिवर्सिटी है, रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी है, VBN यूनिवर्सिटी रांची है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। इसका जो मैं लिस्ट को प्रिपेयर्ड किया हूँ ना, मैं ये सब अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। आपको मैं भेज दूंगा कि क्या कौन कौन सा कॉलेज किस किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आता है और क्या उसका एड्रेस है, ठीक ना। फिर आप चेक कर लेना, जैसे धनबाद बोकारो में BBMQ हो गया, रांची में श्यामा प्रसाद भी है आपका, उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी भी है, पलामू गढ़वा डाल्टनगंज मिलामा पीताम्बर होता है, कोल्हान में जो यूनिवर्सिटी वो जमशेदपुर सिंहभूम खरसावा साइड में पड़ता है, फिर आपका कोडरमा रामगढ़ हजारीबाग गिरिडीह का जो रास्ता में आपका पड़ता है, विनोबा भावे पड़ता है, सब यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आप सभी का काउंसलिंग का डेट कब तक। देखिए इससे पहले समझने से पहले आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी का जो काउंसलिंग हर साल होता था वो JCCB करवाता था, मगर ये इस साल 2022 में ये रांची यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। मतलब रांची यूनिवर्सिटी का काम है कि आपको काउंसलिंग को करवाएगा और वही आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि किस किस तरह से आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो रांची यूनिवर्सिटी पहले क्या कहा था, पहले कहा था कि हम ऑफलाइन काउंसलिंग लेंगे, फिर क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का मांग हुआ, सब लोग डिमांड किए कि नहीं सर बच्चे लोग आ नहीं पाएंगे ठंड के मौसम में कहाँ रांची में, तो इसको ऑनलाइन में बदल दीजिए। तो अब रांची यूनिवर्सिटी मतलब RU जो आपका है वो अब ऑनलाइन काउंसलिंग लेने की पूरा तैयारी में है और ऐसे बताया जा रहा है सभी माध्यम से पेपर से न्यूज, जैसे कि 5 दिसंबर से हो जाएगा, 99% चांस है कि हो जाएगा 5 दिसंबर से, और ऐसा 1% चांस ऐसा भी है कि पास ना होगा थोड़ा डेट आगे बढ़ेगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी अभी थोड़ा उसको पहले से कुछ प्री प्लान नहीं था कि वही लेने वाला इस बार काउंसलिंग, उस बल्कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को जो करते हुए आ रहा है JCCB उसका प्री प्लान था कि उसको लेना था, मगर इस बार रांची यूनिवर्सिटी को बताया गया कुछ दिन पहले कि आपको काउंसलिंग करवाना है, तो वो अपनी तैयारी पर जुट चुका है। वो हर कॉलेज से डिटेल्स मांग रहा है, हर कॉलेज से बात कर रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी से बात कर रहा है ताकि एक बार में काउंसलिंग होगा तो सही बच्चों को सीट अलाउट हो जाए बिना गड़बड़ी का, तो वो भी इस पर काम कर रहा है। जैसे उनका काम डन हो जाएगा तो वो काउंसलिंग का नोटिस को अपलोड कर देंगे और बाकायदा हम आके आपको बताएंगे भी काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है, इसी तरह से फिल करना है, ये प्रोसेस है, मैं भर के भी दिखाऊंगा काउंसलिंग को, ठीक ना। तो लगभग 5 दिसंबर तक में चांसेस है कि हो जाने का, अगर हो गया तो मैं 5 दिसंबर को वीडियो बना के बता दूंगा कि नोटिस में क्या लिखा हुआ है, किस किस तरह से फिल करना है। फिर क्या काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, तो काउंसलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, आपको अपना च्वाइस से भरना होगा कि आपको कहाँ कहाँ लेने का मन है। देखिए झारखंड में लगभग तीनों को आपका सरकारी कॉलेज है बीएड वाला, आप जानते हो, और आप सभी लगभग कितना है मैं बताता हूँ कितना लगभग कॉलेज आप सभी का, हाँ 21 को आप सभी का क्या है तो PPP मोड बोली, ये क्या होता है भाई, तो सेमी गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकारी बिल्डिंग रहता है, बस उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक जो होते हैं वो प्राइवेट आदमी होते हैं। इसको बहुत को क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एडेड भी कहते हैं, गवर्नमेंट एडेड जो होता है इसी को कहते हैं, वो 21 को है। फिर इसके बाद क्या है आप सभी का कि 111 या 112 जो आपका है वो प्राइवेट कॉलेज है, इतनी सारी कॉलेजेस है। लगभग कितना है बच्चा, कितना फॉर्म भरे हैं, तो लगभग बच्चे जो फॉर्म भरे हैं वो 43,000 मतलब 43,000 बच्चों ने फॉर्म को भरा है, परीक्षा में पार्टिसिपेट भी किए हैं।
पर जिनका भी नेगेटिव मार्किंग आया है आपका रिजल्ट एग्जाम में, उन सभी को काउंसलिंग करने का मौका नहीं मिलने वाला है। केवल पॉजिटिव, भले आप जीरो नंबर लेके आ गए हो आप काउंसलिंग कर सकते हो, मगर अगर आपका नेगेटिविटी में नंबर आ चुका है तो आपको आपके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होने वाली है, आपको 2023 का मिशन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लगभग 43,000 बच्चों ने फॉर्म को भरा था, 3,000 बच्चा का लगभग में नेगेटिव मार्किंग आया, मतलब 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस दौड़ में दौड़ने वाले हैं, ठीक है। तो 40,000 बच्चों में सबका तो एडमिशन नहीं हो पाएगा सरकारी में, काफ़ी सारी कम सीटों, सर कितना सीट होगा सरकारी में सब मिलाकर, लगभग आप सभी का 300 से लेकर 400 सीट होगा। तो इसमें उसी को ना होगा जिसका रैंक बहुत अच्छा, मतलब जिसका रैंक एक है, CML 1 है, CML 2 है, CML 3 इस तरह से। तो लगभग आप सभी अगर किसी भी आरक्षण ऐसे बिलोंग करते हो, आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, इस सब में अगर आप आते हो तो लगभग आपका 15,000 भी रहेगा तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप सभी का 20,000 पार जाता है रैंक SC OBC वाला को, तो चांसेस थोड़ा कम है, फिर मिलेगा एडमिशन होगा, मगर प्राइवेट कॉलेजेस में होगा, सेमी को भूल जाइएगा। बाद में अगर जनरल बच्चे हो तो आपको 6,000-7,000 तक में आपका सीट फुल हो जाने वाला, ये सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे आगे में, काउंसलिंग कैसा होता है, क्या क्या ध्यान में रखते हुए आपको फिल करना है, और क्या क्या ध्यान में रखते हुए आपको सीट अलाउट होता है, मैं हर चीज़ को बताने वाला हूँ। तो छोटा सा वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन था कि आप सभी का लगभग 135 को कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी नाम मैं बता ही दिया हूँ, पढ़ ही दिया हूँ, आपसे भी काउंसलिंग का डेट 5 तारीख को होगा, राज यूनिवर्सिटीज़ पर लेने वाला है। इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने हर एक दोस्त तक शेयर कर दीजिएगा, हमको लगेगा कि बीएड के स्टूडेंट से जुड़ चुके, तो लगातार मैं आपके लिए कार्य करूंगा, आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दूंगा, और जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा पर डे का मैं अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।